नीतीश कुमार से कई लोग कई तरीके की गुहार लेके आते हैं। आज हम अभी मौजूद हैं पटना यूथ क्लब में, जहाँ पे एक शख्स है हमारे साथ, ये मुंबई से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यानी कि सुशासन की सरकार से गुहार लगाने आई है। आखिर क्या है इनकी गुहार और मुंबई से बिहार तक का सफर कैसा रहा है? पहले बात, आपका नाम क्या? मेरा नाम कल्पना निषाद है। मुंबई से बिहार कैसे? हाँ, मुंबई से बिहार तक का सफ़र जो है, मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ या मैं, बात यह है कि 2014 से मेरा मेरे रिलेशन मेरे हस्बैंड के साथ में 2014 से था, कट वहाँ से मतलब कंटिन्यू रिलेशन चल रहा था 2019। उन्होंने मुझे शादी के लिए कहा था, शादी करूँगा, क्योंकि मुंबई में किसी को किसी से इतना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इन्होंने जब मेरे साथ रिलेशन रखा तो मैंने पहले ही कहा था आपको मुझसे शादी करनी होगी या करेंगे, तो इन्होंने कहा था हम करेंगे। ऐसे चलता रहा, 2019 में उन्होंने लास्ट मेरे से जो मीटिंग किया, उस मीटिंग के बाद से मैं थोड़ा मेडिकल इश्यू मतलब प्रॉब्लम में आ गई थी। मैंने इनके घर में वालों को सबको कांटेक्ट करने की कोशिश किया, बट इनके घर से मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिली। फिर थक हार के मैं मुंबई पुलिस के पास गई, वहाँ पे मैंने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से मुंबई पुलिस ने 376 का केस उनके ऊपर लगाया। अब मेरे हस्बैंड जब 376 का केस लगा, वो 17 मई 2019 को वो अब्रॉड चले गए थे, वहाँ से फिर हमारी मुंबई पुलिस ने उनके कंपनी को भेज दिया था FIR पेपर। उस हस्बैंड करते क्या? उन्होंने 2014-12-13 में द ग्रैंड हयात में एज अ शेफ काम स्टार्ट किया था, तो वहां से फिर उन्होंने 2019 में उनको जब वापस इंडिया भेजा गया, इंडिया आने के बाद से फिर उनको पता चला 376 का केस है, उस केस से केस को मतलब जेल नहीं जाना है, तो उन्होंने मेरी टिकट 1 जुलाई को दिल्ली का करवाया। दिल्ली मुझे ये बोल के बुलाया गया कि यहाँ पे आके बैठ के केस के पर्पज में बात करना है, ठीक है। मैं दिल्ली गई, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, इन लोगों ने वहाँ पे मुझे गुड फेथ में लिया कि तुमको मुंबई पुलिस के साथ रहना है कि मेरे साथ रहना है, ऐसे ऐसे कह के फिर वहाँ शादी किया 3 जुलाई 2019। अब वहाँ से शादी होने के बाद में मेरी जो ननद है नीतू सुमन, वो स्टेट बैंक में जॉब करती है एज ए अकाउंटेंट, मेरी ननद और मेरे नंदोसी, तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है ये शादी में, उन्होंने पैसा दिया, शादी हुई। शादी होने के बाद 8 जुलाई को रजिस्ट्रार हुआ शादी, वहाँ से फिर उन्होंने मेरी ननद ने भेजा टिकट के जरिए हम लोग वापस मुंबई आए। मुंबई आने के बाद से इन्होंने 376 का केस हाई कोर्ट में शो किया कि इन्होंने मेरे से शादी किया है, वहाँ से केस डिस्पोज कराया, उसके बाद से मेरा अबॉर्शन करवाया, ये कह के कि अभी मेरी माली हालत ठीक नहीं है, हम फिर से बच्चा आगे कैरी करेंगे, अभी फिलहाल जैसे है रीति रिवाज से शादी हो जाने दो, उसके बाद हम लोग अच्छे से रहेंगे। लेकिन इतना होने के बाद, कोर्ट डिस्पोज कराने के बाद, मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त जो मेरी शादी में विटनेस बने हैं राकेश रंजन, इन लोग वहाँ से रफू चक्कर हो गए, भाग गए। फिर 1 महीना तक मैंने कोशिश की कॉन्टेक्ट करने की, कहीं से कुछ नहीं हुआ। मेरे पास में जो एड्रेस था, उस एड्रेस की वजह से मैं मुंगेर बरियारपुर घोरघट उनके गांव पहुंची। गांव पहुंचने के बाद जिस 7 नवंबर को जब से पहुंची, उस दिन इन लोगों ने मेरे साथ में मारपीट किया, मुझे घर में एंट्री नहीं दे रहे थे। फिर मैंने अपना अपना शादी का सर्टिफिकेट, फोटोज, वीडियोस शादी की, सारा कुछ वहां के लोगों को दिखाया, तब मुझे घर में एंट्री मिली। लेकिन घर में एंट्री होने के बाद भी 7 नवंबर 2019 से लेकर आज तक मैं उस घर में कभी चैन से नहीं रही। क्या होता था उस घर में आखिर आपके साथ? मुझे ये कहा जाता था कि यहाँ से तुम चली जाओ, ठीक है, मेरी सास कहती थी मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। मतलब इतना कुछ संघर्ष के बाद भी आपका घर नहीं बसा और आपके पति ने ही आपका साथ नहीं दिया? हाँ, क्योंकि जो मेरे साथ में मारपीट हुआ है, जैसा कि आप देख रही होंगी, मेरे साथ में इस तरीके से मारपीट हुआ, तो पर्टिकुलर एक इंसान तो इस तरीके से मारेगा नहीं मुझे,
मेरे घर में जितने हैं सास ससुर ससुराल वालों, हाँ, और इवन मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं सोमनाथ आर्या राकेश रंजन, ये सब मिलके मुझे धमकी देते थे, टॉर्चर करते थे। तो अब आप क्या चाहते हैं सुशासन की सरकार से, नीतीश कुमार से क्या गुहार लगा? मैं ये चाहती हूँ क्योंकि मैं मेरे साथ में तो यहाँ पे दो मतलब ये किया जा रहा है कि ये मुंबई की है, ये बाहर से आई है, मुझे तो ऐसा बोला जा रहा है। अगर हमारे मुंबई में यहाँ के लोग जाएंगे और वहाँ की सरकार या वहाँ की पब्लिक ऐसा करेगी तो कैसा लगेगा? तो मैं बस ये चाहती हूँ, अगर मैं बिहार आई हूँ, यहाँ मेरा ससुराल है, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहना है। अभी भी आपको अपने हस्बैंड के साथ ही रहना? हाँ, क्योंकि अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना था तो आप 376 का जो केस हुआ था, आप वहाँ पे अपने आप को प्रूफ किए होते कि आप सही हो मैं गलत हूँ, आपने वहाँ पे काउंटर केस नहीं किया। आप अपने बिहार में आके अपने दोस्तों के साथ मिलके, अपने घर वालों के साथ मिलके, आपके घर वाले आपको फाइनेंशियली पैसा फेंक रहे हैं, उस वजह से आप मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हो, मेरे ऊपर केस पे केस फेंक रहे हो, कंप्लेन केस डाल रहे हो, वो सब ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप ही के साथ रहूंगी। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? तो मेरा लास्ट फर्स्ट डे से अब तक मेरा एक ही है, मैं रहूंगी तो उन्हीं के साथ रहूंगी एनी हाउ। चलिए, बस इतना कहना है कि मुंबई से बिहार आई है अपने पति के साथ घर बसाने, लेकिन पति और ससुराल वाले कहीं ना कहीं इनको प्रताड़ित कर रहे हैं और अब ये सामने आके सुशासन की सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। अब ये देखना लाजमी होगा कि इसके बाद किस तरीके से सुशासन की सरकार इनको संज्ञान में लेती है और इनके बारे में सोचती है। कशिश न्यूज़ पटना।